स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति क्लासेस एंड न्यू सेशन। न्यू सेशन क्या चल रहा था? हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड हमने मेन मेन टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं जो चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। हमसे लास्ट वाला कौन सा किया था हमने? द चेंज ऑफ स्टेट किया था। यस, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो किया था एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चला था कैसे स्टेट चेंज होता है और क्या इफेक्ट होती है, कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें मिलते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट मिला था, बॉइलिंग पॉइंट मिला था एंड न्यू वर्ड जो लेटर हिट हिडन हिट थी वो भी मिली थी। तो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स कम टू अवर न्यू टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ये छोटा वाला टॉपिक है लेकिन अच्छा वाला टॉपिक है, ऐसे बोल सकते हैं, छोटा वाला है। तो क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक भी पढ़ चुके हैं पूरा, लेकिन कुछ कुछ डिवाइड करके पढ़ा था। किसमें कुछ पढ़ा था? चेंज ऑफ स्टेट में कुछ पढ़ा था, थ्री स्टेट में कुछ पढ़ा था। अब इसे ओरिजिनली क्या कहना चाहता है वो खत्म कर लेंगे जल्दी जल्दी। छोटा वाला टॉपिक है कैसे, तो इफेक्ट टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने देखा था कि सॉलिड है, ओके, थ्री स्टेट है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उस पे ही हमें बात करनी है पूरे चैप्टर में। तो सॉलिड लिया हमने, ओके, सॉलिड, तो सॉलिड को हमने पढ़ाते हैं, अगर मैं हीट दूं, गिव हीट, अगर मैंने इसे हीट दी तो क्या होगा? वही वाला बुरा वाला, हीट दूंगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो लिक्विड बनेगा। वही वाली बात है, सिर्फ रिपीट हो रही है। तो क्या होगा, वो लिक्विड बनेगा, अगेन लिक्विड को हीट दूंगा तो गैस बनेगा। थ्री स्टेट हो गए हमारे, चेंज ऑफ स्टेट वाला भी हो गया, थ्री स्टेट भी हो गया। अगेन मैं गैस को, अगर गैस है उसके पास टेक हीट, हीट ले लूंगा तो वापस लिक्विड बन जाएगा। ये हीट ले ली, वापस लिक्विड, और लिक्विड के पास से भी हीट ले लूंगा तो वापस सॉलिड बन जाएगा, बन जाएगा। ये होता है हमारा जनरली, ऐसे ही होता है। ओके, अब ये तो हो गया, अब ये तो ठीक है, कुछ और बात वो भी पढ़ी है, कुछ बातें पढ़ी है अंदर से, आपको रिवाइज कराऊंगा कहाँ पढ़ी थी कैसे पढ़ी थी। इसे और एक स्टेप ऊपर लेते हैं, जैसे अब भी प्रोसेस जाएंगे कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर सॉलिड है हमारा, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड लिया तो इसे हीट दी तो ये लिक्विड बन गया, लेकिन कुछ प्रोसेस तो है, क्या है? फ्यूजन, कल पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में हमने, याद है आपको, फ्यूजन, और उसे क्या बोला था हमने, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोला था, फ्यूजन प्रोसेस है, कल ही पढ़ा था मेल्टिंग, फ्यूजन, टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया उसके पार्टिकल्स और दूर भागने लगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फ्यूजन वाली मेथड, मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, कल ही बताया था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा वाटर, क्योंकि हमने वाटर को भी बेस लेके मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से। तो ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड, तो ऐसे ही कुछ लिक्विड टू गैस भी होगा। अगर लिक्विड को हीट दी वो गैस बना तो वो भी कुछ प्रोसेस है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन, ये भी कल बताया था, कल सबको ही बताया था, डेफिनेशंस में बताया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले। तो अगर लिक्विड टू गैस, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। ओके, अब यहां पर लिक्विड टू सॉलिड भी बनेगा, अगर हम उसके पास हीट ले लेंगे तो फिर से सॉलिड बनेगा, तो उसे भी कुछ बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ये कुछ वर्ड है और बोल सकते हैं फ्रीजिंग, तो आपको पता चल जाएगा फ्रीजिंग, क्योंकि हमने उसे कूल कर दिया,
एक भी ले ली तो वो कूल हो गया और वो फ्रीज हो गया, और उसका एक नेम है क्या है, सॉलिडिफिकेशन। उसी तरह गैस का लिक्विड में भी जाएगा, हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और लिक्विड टू सॉलिड। इसी तरह यहाँ पर गैस टू लिक्विड भी जाएगा, जाएगा यहाँ पर है ना, गैस टू लिक्विड गया था, एक हीट हमने हीट ले ली थी, कूल कर दिया था, तो वो भी कोई प्रोसेस होगा, उसका भी नेम होगा, उसका नेम क्या दिया हमने, कंडेंसेशन। क्यों कंडेंस किया, कंडेंस मींस कूल, इन शॉर्ट कंडेंस का मतलब होता है कूलिंग, कूल किया हमने, गैस से हीट ले ली, कूल हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये तो होता है हमारा जनरली, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, सॉलिड टू लिक्विड जाता है, लिक्विड टू गैस जाता है, या फिर हम हीट ले लेते हैं तो गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड जाता है, और ये सारे फ्यूजन बोलते हैं, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये प्रोसेस नहीं है, चेंजिंग प्रोसेस नेम, ये हुआ उसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा यार, तो वो नेम दिया, ये जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन बट कुछ केस मैंने बताया था कि होते हैं अलग अलग वाले केस भी होते हैं, तो वो देखते हैं क्या सॉलिड, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली गैस बन जाता है, ये भी होता है, अगर सॉलिड को हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो वो गैस बनता है डायरेक्टली, डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म नहीं आता, डायरेक्टली गैस बन जाता है, ये वाला एक केस था, डायरेक्टली गैस बन जाता है, ओके, तो उसको कुछ बोलेंगे। अच्छा, तो हमें इसे सिर्फ हीट करना है, सॉलिड को हीट गर्मी देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसे जलाना नहीं है, तो ऐसा नहीं करना उसे बहुत हीट देना तो वो बर्न हो जाएगा, बर्न भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड टू गैस डायरेक्ट नहीं जाते, जाते बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं तो वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो वो डायरेक्टली गैस जाते हैं, गैस में बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म नहीं है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ गर्म करना है, जो है जितनी हीट हम सॉलिड को लिक्विड में, मतलब वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो आइस है, उसको हीट दी वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, बस उतनी हीट देंगे तो ही सॉलिड को तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा उसके, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर है जो क्या बोलते हैं, कपूर, ओके, कपूर बोलते हैं, और एक एग्जाम्पल है हमारा नेफ्थेलिन, अदर एग्जाम्पल है हमारा नेफ्थेलिन, तो ये दो है हमारे पास, स्पेलिंग के रॉन्ग हो सकता है, शायद अब राइट है स्पेलिंग, स्पेलिंग देख लेना है यार, मुझे एक्सेप्ट याद नहीं है कौन सा स्पेलिंग है, लेकिन यही है कैम्फर, यानी इसे बोल सकते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं तो कपूर बोल सकते हैं, कपूर आते हैं ना, ना आपने देखा होगा कपूर, और नेफ्थेलिन एक होता है, तो ये दो ऐसे है जिस जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इन्हें गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस को भी कुछ बोला होगा, बोला है ना, तो ये प्रोसेस को क्या बोला है, इसे बोला है सब्लिमेशन, क्या बोला है, सब्लिमेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और रिवर्स वाले प्रोसेस भी है, तो रिवर्स वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो हमारे कितने सारे प्रोसेस के नाम होंगे, सारी प्रोसेस आपको पता थी कि सॉलिड टू लिक्विड होता है, लिक्विड टू गैस होता है हीट देने से, और हीट देने से वो वापस रिवर्स करता है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम क्या था, उसे क्या बोलते हैं, बुक में ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि सॉलिड टू लिक्विड गया, वो बोलेंगे फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब होगा सॉलिड टू लिक्विड यानी मेल्टिंग। तो ये सारे वर्ड्स है आपको याद रखने हैं, इन शॉर्ट इनकी डेफिनेशंस भी है बुक में, और प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूँ, कैसे सिंपल है, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर का डेफिनेशन नहीं बताए, डेफिनेशन में कुछ नहीं होगा, द प्रोसेस चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, फ्यूजन, खत्म। अगर मैं प्रोसेस चेंजिंग रखने दूं लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड की जगह पर लिक्विड टू गैस, तो इज कॉल्ड वेपराइजेशन, इन शॉर्ट
सिंपल डेफिनेशन, एक ही चीज हमें रटनी है, मतलब डेफिनेशन देखना है, डेफिनेशन को इन शॉर्ट रटना पड़ता है। क्यों? समझ लो, समझना ही होता है, रटना मीन्स उसे प्रॉपर वे में लिखने के लिए, प्रॉपर वे में कैसे लिखना है। चलो छोड़ो, रटना नहीं होता है, आप समझ लोगे, आपकी वर्ड में लिखोगे तो भी चलेगा डेफिनेशन, ठीक है। वो कभी मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, बस आपको कुछ वर्ड से अंडरलाइन करूंगा, वो आप चेंज करोगे तो आपका प्रोसेस नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे चार्ट को एक अच्छे वाले फॉर्म में भी लिख के देता हूँ, आपको नोट करना उसे। ओके, तो ये थोड़ा अच्छे से लिख के दिया है मैंने, ऐसा चार्ट फ्रॉम चार्ट फॉर्म जैसा इजीली जो प्रोसेस है वो याद रख सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड है, सॉलिड है और ये गैस है, तीन स्टेट है और इनके बीच में सारी प्रोसेस लिखी हुई है जिसे बोलते हैं कि कौन सी प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने बोला था कि डेफिनेशन लिखूंगा, सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड की है वो चेंज करोगे, काफी ये 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन बन जाएगी। एक क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये एज इट इज रहेगा, सॉलिड टू गैस, सॉलिड और गैस चेंज होंगे, इस कॉल्ड सेम रहेगा सब्लिमेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू गैस इस कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर यहां पर सॉलिड की जगह पर मैं लिख दूं सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बोलना चाहता हूं, यानी वेपोराइजेशन, तो क्या बोलूंगा, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, मतलब आप इस ये वाला सिंपल सॉलिड और गैस को चेंज करके और जो प्रोसेस बोल रहे हैं वो चेंज कर देना, आपकी सारे डेफिनेशंस हो जाएंगे। एक सिंपल फॉर्म वाला अच्छे से चार्ट पे बना के दिया है मैंने, वो मतलब समझाने के लिए वो वाला लिखा था, ये थोड़ा चार्टेबल है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड क्या बोलते हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग बोलते हैं, या मेल्टिंग पे लिख दूं मेल्टिंग, ठीक है मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड के लिए सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू गैस के लिए सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड के लिए डिपोजिशन। सब्लिमेशन के एग्जांपल कौन से हैं, चैम्फर और नेफ्थलीन। लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। सॉलिडिफिकेशन को और क्या बोला था हमने, फ्रीजिंग, लिख देते यार क्या है याद रहे, अच्छा ठीक है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लेना, ड्रॉ कर लेना और वो डेफिनेशन सब जगह यूज होगी, तो डेफिनेशन देख लेना, चेंज करते रहना, एक ही याद, एक ही रिमेम्बर रहना, एक ही याद करना, बाकी सबकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक हो जाए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बाकी है और बोलेंगे, और फिर लास्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो इवेपोरेशन, चैप्टर फिनिश। तो इसे बोर्ड पर रख से नोट कर लेंगे, आपके लिए ड्रॉ किया है नोट करने के लिए, देखने के लिए नहीं। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ और इसमें हम एक और टॉपिक लेंगे, यार ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स जो रह जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, शायद मैं भूल जाता हूँ चलाना, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में रिपीट नहीं होंगे, बाद में नहीं बताऊँ, सारे टॉपिक्स बताऊँ, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कुछ दिमाग में से भूल निकल जाता है या फिर ये टॉपिक रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बताऊँ, बता रहा हूँ, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी है, बट इसके पहले भी था, वो बताना था ऐसा यूनिट वाला, लेकिन थोड़ा रह गया था, तो अभी बता रहा हूँ क्या है, कौन सा टॉपिक रह गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला रह गया था। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के सब बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पढ़े हैं, हमने आगे भी डिस्कस किया है, मास पढ़ा था, लेंथ पढ़ी थी, टाइम और टेम्परेचर सब पढ़ा, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो फिजिकल होती है
फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, एफ क्यू मीन फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके एसआई यूनिट्स है। जैसे हमने पढ़ा था मास, फिर पढ़ा था हमने लेंथ, फिर टाइम, और लास्ट में इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर। तो इनके कुछ इनके ऐसा यूनिट्स हैं जो आपको सब जगह काम आएंगे, हर जगह इनके असाइनमेंट्स काम होते हैं, यूज होते हैं, यूज होते हैं। मास का कौन सा पढ़ा था हमने? केजी पढ़ा था, बताया था केजी। ओके, लेंथ का मीटर, ये भी बताया था। मास और वॉल्यूम का जो आपको डिफरेंस बताया था मैंने, उसमें बताया था। टाइम का हम लेके चलते हैं सेकंड, इसे ऐसे भी नोट कर दें सिंपल, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। यहाँ पर टेम्परेचर का एक होता है हमारा के, मींस केल्विन, क्या केल्विन, बस ये बताना था मुझे, ये रह गया था। टेम्परेचर का एक साइन होता है केल्विन, और ये ऐसा यूनिट ऑफ केल्विन के लिए कुछ बातें जो बता रहा हूँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें टेम्परेचर जनरली दिया होता है सेंटीग्रेड में, डिग्री में, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया होता है, उसे केल्विन में कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, इसका इक्वेशन क्या है वो बताऊंगा आपको। तो जनरली हमने देखा था वाटर में आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताया था। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने कल एक्सपेरिमेंट में बताया था, और वही है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट एक्चुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलते कई जगह, इसका ओरिजिनल से बोलते हैं 273.15 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या तो फिर 273.15 केल्विन बोलो, दोनों बात एक ही है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हुआ, 273.15 केल्विन हुआ। यही हुआ क्या? हाँ यही हुआ। मतलब जब 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसका मतलब जो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो एक्चुअल में होगा 273.15 केल्विन। ये जो 273.15 केल्विन है ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन इसे राउंड फिगर करके लिखा है। तो राउंड फिगर करके क्या लिखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल इक्वेशन, ये हो गया हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। यानी 27 एक्चुअल में होता है 273.15 केल्विन होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू, लेकिन उसे राउंड फिगर करके प्रॉब्लम ना हो पॉइंट का, इसलिए राउंड फिगर करके लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अगर टेंपरेचर हमें केल्विन में दिया हो तो हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हो तो केल्विन में लिख सकते हैं। कैसे? ओके, तो क्या होगा केल्विन में करने के लिए इक्वेशन क्या होगा, मुझे टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये हो गए हमारी इक्वेशन। इसे नोट कर लेना जरूर से, जब हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर हमें केल्विन में दिया हो और सेंटीग्रेड में चाहिए तो बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्वेशन हम सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 30 ले लेते हैं,
ठीक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है टेम्परेचर, उसे मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो केल्विन में कितना होगा, तो क्या हो केल्विन में करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 30 और 273 तो कितना होगा 303 केल्विन, सिंपल क्योंकि हमारा एग्जांपल 40 डिग्री होगा तो 313 होगा, 50 होगा तो 323 होगा, यानी अगर ये एग्जांपल है अगर हमें इक्वेशन में डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन में दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो पूछा वो कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप जरूर याद से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डार्क कर रहा हूं इसे, इसे नोट कर लेना डार्क याद से, ओके। बस मुझे यही बताना था, ये हमारा छूट गया था, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस कुछ रह जाता है, कुछ भूल जाते हैं, हम भी इंसान है यार, भूल जाते हैं। ये नोट कर लेना इक्वेशन और प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें वो वाला हमारा चार्ट फॉर्म वो इम्पोर्टेंट था, आज के सेशन में इम्पोर्टेंट चीज है, ओके। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, टेम्परेचर वाला खत्म हुआ, प्रेशर वाला नहीं।